तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ट्रेडर्स चार्ट मास्टर ग्रुप। तो नेक्स्ट वीक के लिए यानी 28 अगस्त से 1 जुलाई तक जो सेशन रहेगा, जो वीक रहेगा, इसके लिए हम 3 स्टॉक आपके लिए लेके आएंगे। जैसे नॉर्मली आपको वीकली 3 स्टॉक्स प्रोवाइड किया जाता है, तो देर नहीं करते हुए डायरेक्टली हम आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। तो इसमें देखिए, पहला स्टॉक्स जो हम लोग का रैडर में है वो है आरती इंडिया लिमिटेड। 1 डे का चार्ट है, अच्छा खासा यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन किया है और ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव्स देखने को मिल सकता है। तो पहला मूव यहाँ पे रहेगा 480 का, जो कि ये हमारा नेक लाइन का रहेगा, ठीक है। और दूसरा मूव ये लेवल तक जा सकता है मार्केट, ठीक है। 492-500 का टारगेट यहाँ पर रहेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा 440 का। तो आप चाहें तो इसको 15 दिन तक भी होल्ड कर सकते हैं, जिसमें अच्छा खासा आपको रिटर्न देते हुए दिखेगा। बहुत ही बढ़िया सा रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है और मार्केट में भी अगर आप देखेंगे थोड़ा रिवर्सल होने का चांसेस है। तो इसके चलते आरती इंडिया में अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये वाला स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टॉक है देखिए, जिंदल वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इसमें भी डबल बटन फॉर्मेशन हुआ है एंड ये क्या किया है देखिए, नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद रिट्रेस भी कर चुका है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे जो टारगेट हमारा रहेगा 435-453 का टारगेट रहेगा, एंट्री पॉइंट आपका रहेगा 408 में एंड एसएल यहाँ पे रख सकते हैं 340 का, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड स्टॉक। एंड थर्ड स्टॉक जो रहेगा गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। तो इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन अच्छा खासा हो रहा है, एक फ्लैग पैटर्न जैसा बन के आ रहा है। तो जैसे ये फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट के बाद हमें अच्छा खासा एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 182 का। तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे रहेगा 168-169 एंड एसएल रहेगा 152 का। तो ये था 3 स्टॉक्स नेक्स्ट वीक के लिए, जिसमें आप इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। तो थैंक यू।